हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बिकॉज़ आई वाज सो बिजी इन माय वर्क, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट आज मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जिसका टॉपिक है टॉप 10 मूवीज़ बेस्ड ऑन नॉवेल्स। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती है जो इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी मूवी है, और कोई हिंदी है, कोई अदर लैंग्वेज में है, और कौन कौन से राइटर हैं, सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ट्रस्ट मी, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इवन अगर जामिया की बात करो, या कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करो, या सिविल एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये बुक जो है कौन सी मूवी, या ये मूवी जो है कौन सी बुक पे आधारित है, बेस्ड है ना, इस तरह से। तो इस वजह से मैं सोचा इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊँ जिससे आपको जो है बेनिफिट्स हो। एंड इसमें मैंने 10 ही नहीं, मोर देन 10 बुक्स के और नॉवेल्स के नेम यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इसको जानने में, सुनने में, तो आप उसे लिख के याद कर लेना, ठीक है, तो सही रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज उससे आपको न्यू वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, है ना, हिंदी मूवीज़ बेस्ड ऑन पब्लिश लिटरेचर। ओके एंड इसमें आपको मैं वही बताऊँगा। तो नीचे चलते हैं, जो पहला मूवी है वो है ओमकारा। ओके और ये कौन सी बुक पे बेस्ड है, ओथेलो, विलियम शेक्सपियर की जो ओथेलो बुक है, ये उसी के ऊपर ये मूवी बनाया हुआ है, ठीक है। ओके सेकंड जो है यहाँ पे देखो, मकबूल, मकबूल जो है कौन सी बुक पे है, मैकबेथ, ये भी जो है विलियम शेक्सपियर साहब की बुक से इसका जो है स्टोरी लिया गया है। ओके तो दोनों था विलियम शेक्सपियर। थर्ड देखते हैं कौन सा है, अंगूर, मूवी का नाम है अंगूर, और कौन सी बुक से लिया गया है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, इनके भी जो राइटर है विलियम शेक्सपियर है। ओके नंबर फोर्थ मूवी का नाम है दो दुनी चार। ओके और ये बुक का नाम है कॉमेडी ऑफ एरर्स, और किससे लिया गया है, देख लो कौन से राइटर का है, विलियम शेक्सपियर का। तो ये चार बुक जो अभी आपको बताया वो भी विलियम शेक्सपियर के बुक से जो है ये चारों मूवी का जो स्टोरी है। ओके अब मैं फिफ्थ का बताता हूँ, यहाँ पे देख लो, देवदास, ठीक है, देव डी लिखा हुआ है, तो इसे आप छोड़ो, यहाँ पे देख लो, आपको फिर बिलीव हो जाएगा, देवदास। और ये जो है नॉवेल्स किस पे बेस्ड है, बंगाली रोमांस नॉवेल जिसका नाम था देवदास, एंड इसके जो राइटर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके ये राइटर है, इसे आप लिख सकते हो, फिर से देवदास दिया हुआ है, देवदास, इसको बार बार इसको जो है रिपीट कर दिया, बट आपको यहाँ देखना है सरकार मूवी, एंड इनके जो राइटर है मारियो पूजो एंड बुक का जो नाम था गॉडफादर, ठीक है। नेक्स्ट मूवी यहाँ पे देख लो, नंबर 10 दयावान, और इनके भी राइटर जो है मैरियो पूजो हैं, और बुक का नाम है गॉडफादर, ठीक है। नंबर 11 में देखो, थ्री इडियट्स के जो राइटर हैं वो देखो चेतन भगत की 5 पॉइंट्स समवन की बुक से जो है ये स्टोरी लिया गया है। ओके अब ये जो राइटर मैं बताता हूँ, चेतन भगत, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, और जो भी राइटर जैसे मैरियो पूजो, तो इससे मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो वही राइटर जो मूवी बनाया है, ये मत समझना आप, मैं ये बता रहा हूँ कि ये उनकी बुक से जो है ये मूवी, इस उनकी बुक पे जो है ये मूवी बना है, ठीक है। मूवी के तो डायरेक्टर अलग अलग होते हैं ना, तो मैं उसे नहीं बता रहा हूँ, मैं बुक के जो राइटर है मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप क्लियर कर लेना। नंबर 12 में देखो, काय पूछे, ये भी अच्छी मूवी थी, और कौन सी बुक पे लिखा गया है, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बाई चेतन भगत। चेतन भगत की मैंने दो बुक बताया, ओके एक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और यहाँ पे 5 पॉइंट समवन, ठीक है, ये दो बुक बताया मैंने चेतन भगत की। अब देखिए ये टू एस्टेट्स मूवी, ये किस पे बेस्ड है, टू एस्टेट्स जो है, देखिए ये इस पे बेस्ड है, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ओके और ये भी है चेतन भगत की, तो आप इसे भी लिख लेना। नंबर 14 में देखो, द गाइड, गाइड मूवी का नाम था गाइड, और ये जो है द गाइड बुक का नाम था नॉवेल का, किसके, आर के नारायण के। ओके क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, यहाँ पे दिल दिया दर्द लिया। ओके ये था किसका, मैं बता देता हूँ, ये बुक जो है किस पे बेस्ड था,
वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी। एमिली ब्रॉन्टी की इसकी बहन है, आपको मैंने बताया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। चार्लोट ब्रॉन्टी की बहन थी एमिली ब्रॉन्टी, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब देखिए, ये है ब्राइड एंड प्रिजुडिस। ये किस पे है? इसके नेम से ही आपको समझ में आ गया होगा, प्राइड एंड प्रिजुडिस बुक से लिया गया है और इनकी राइटर है जेन ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है परिणीता। ओके, परिणीता जो है बंगाली नोवेल से लिया गया है, जिसका नाम था परिणीता बुक का, और ये जो राइटर है शरद बाबू है, ठीक है। और उसके बाद है संकोच, ये भी ड्रामा एंड रोमांस है, और ये भी बंगाली जो नॉवल थे परिणीता उस पर आधारित है, शरद बाबू राइटर हैं, ठीक है। इसमें देखो 19 में कयामत से कयामत तक, ओके, ये जो है बुक कौन से बुक से लिया गया है? रोमियो एंड जूलियट। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। 20 में देखो पिंजर। पिंजर जो है बुक का भी नाम था पिंजर, एंड ये जो है अमृता प्रीतम की बुक है, उस पर भी मूवी बना हुआ है। अब देखिए 21 में दिया हुआ है अर्थ। अर्थ किसका था? अर्थ जो है वापसी सिद्धवा के नावल का नाम था, कौन से नावल? क्रैकिंग इंडिया, ठीक है, और इनकी जो राइटर है वापसी सिद्धवा दे, और क्रैकिंग इंडिया बुक के ऊपर जो एक मूवी बनी उसका नाम था अर्थ। ओके, उसके बाद 22 में वाटर। वाटर मूवी था, ठीक है, मूवी का नाम भी जो है वाटर था और बुक का नाम भी वाटर था। ओके, एंड इसके जो राइटर थे वापसी सिद्धवाई थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सावरिया है, 23 में सावरिया, और बेस्ड ऑन फ्योडोर दोस्तोयेवस्की शॉर्ट स्टोरी, उनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी वाइट नाइट्स, उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है, ठीक है। राइटर का नाम यहाँ पे है फ्योडोर दोस्तोयेवस्की है। ओके, इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको हेडिंग में दिया हुआ टॉप 10 मूवीज़ बेस्ड ऑन नॉवेल्स, बट मैं आपको वीडियो में एक्स्ट्रा करा रहा हूँ ताकि आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो बुक का नाम है उपहार, बट सॉरी मूवी का नाम है उपहार, और बुक कौन सी बुक से ये लिया गया है? समाप्ति, एंड यानी इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है द एंड, ये किनकी बुक थी? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इसे भी आप लिख सकते हो। ओके, इसे आप छोड़ दो, चोकरबली को, सरस्वती चंद्रा को भी छोड़ दो, ठीक है, सात खून माफ आप इसे लिख सकते हो। ये कौन सी बुक पे बेस्ड है? सुसानाज 7 हस्बैंड्स बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, अब देखिए जुनून, इसे भी आप छोड़ दो, ये आप कर भी सकते हो, रस्किन बॉन्ड की है। ओके, तो आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो।